अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले एकदम टेस्टी खुशबूदार जायकेदार अचारी कीमा, जो बहुत टेस्टी बनता है और जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। एकदम खाने में अलग से इसका फ्लेवर और स्वाद आएगा। चले देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें अचारी कीमा बनाने के लिए उसका अचारी मसाला तैयार करना है। 2 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया, 1 चम्मच सौंफ ली, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच राई ली है, 1/4 टीस्पून कलौंजी ली, 10-12 मैंने काली मिर्ची ली और 4-5 मैंने खड़ी लाल मिर्ची ली। इसको भून के हमें इसका दुरमुरा पेस्ट बना लेना है। चले अब कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया करीब 1/2 कप जितना। अब इसके अंदर मैं 2 आलू डाल दूंगी मीडियम साइज के। अगर आप आलू कीमे में नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, मगर कीमे में आलू डालने से फ्राई करके बहुत ही टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो चले आलू फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में मैंने उतने ही तेल में तेज पत्ता डाल दिया, 1/2 हरी इलायची ली है, 2 लौंग ली है, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं। बस इनको इस तरीके से डालने के बाद इसमें 500 ग्राम कीमा लिया। कीमा मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही ले लिया है। अब कीमे को डाल के हमें इतना भुनना, कीमे का सारा पानी हमें बिल्कुल ड्राई करना है और उसका कलर भी चेंज करना है। और वीडियो मेरी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए देख लें। तो पूरा पानी हमने ड्राई कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर रखा था हमने ताकि हमारे कीमे का पूरा पानी भी अच्छे से सूख गया, कलर भी चेंज हो गया है। खुला ही पकाया था। इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में मैंने ले लिया है, देखिए, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्ची है, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक है टेस्ट के मुताबिक, जीरा पाउडर है और 1 चम्मच गरम मसाला है। अब साथ ही इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली, इसको फ्राई करके हाथों से मसल ली है। और ये अचारी मसाला है जो हमने आपको बताया था, उस तरीके से दुरमुरा पीस के हमें डालना है। और थोड़ा सा इसमें से मैंने बचा लिया है जो मैं इसको बाद में इस्तेमाल करूँगी। चलो इन मसालों के साथ भी हम अच्छे तरीके से कीमे को भून लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि सारा मसालों का फ्लेवर हमारे कीमे के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनता फ्रेंड ये कीमा, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चले 2 से 3 मिनट हमारा कीमा अच्छे तरीके से इसमें जैसे ही भुना जाता है, इसके अंदर हम थोड़ा सा अब हम पानी डालेंगे। करीब मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी और इसको हमें कुक करना, पूरा फुल कुक कर लेना, गला लेना। आप इस वक्त इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसको कढ़ाई में ही बना रही हूँ। चलो पूरा बना लेते हैं इसको। ये देखिए करीब 30 मिनट लगे थे मेरे कीमे को गलते हुए। अच्छी तरीके से हमारा कीमा गल गया है और एकदम पानी भी ड्राई हो गया, इसने थोड़ा तेल भी छोड़ दिया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गल गया हमारा कीमा, एकदम मक्खन की तरह। बस ये हमारा कीमा अच्छे से भुना गया, गल गया। अब मैंने जो आलू फ्राई करके रखे थे ये डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। करीब आलू हमारे 80% फ्राई करने में ही गल चुके हैं, जो थोड़ी कम कसर रह गई थी वो इसमें पूरी हो जाएगी। आलू मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1/2 कप दही डालेंगे। दही बहुत खट्टा नहीं है मेरा, मीडियम दही है। और दही को भी मिला के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, आलू के साथ कीमे के साथ दही को मिक्स कर लेंगे। और इसको भी हम करीब 2 से 3 मिनट दही के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। और थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया भी इस वक्त डाल देंगे। और दही का पानी पक जाएगा जब तक इसको हम दम करके पका लेंगे। पत्ते का काम हो गया, इसको हटा लेंगे और दही के साथ इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट, जब तक कि दही अपना पानी बिल्कुल ड्राई नहीं कर देता। इतने में आलू भी हमारे अच्छे से और गल जाएंगे। चले बढ़िया सा हमारा ये कीमा बिल्कुल दम लग गया था इसमें। अब देखिए हमें जो मसाला हमने अचारी बचाया था इसमें हमने 1/2 नींबू डाल दिया था, 1/2 नींबू में इसमें और डाल रही, 1 नींबू मैंने पूरा डाला है, 2-3 चम्मच मैंने मसाला इसका बचा लिया था। और ये मिर्ची मैंने चीर के रख ली है, हरी मिर्ची, थोड़ी तीखी वाली मिर्ची है। तीखी वाली मिर्ची का बहुत अच्छा तीखा तीखा एकदम खट्टा और तीखा फ्लेवर आता है, इसलिए आप इस तरीके की ही मिर्ची लेना। और इसके अंदर हम ये मिर्चियों के अंदर ये मसाले इस तरीके से भर देंगे, बीजे हटा देंगे और अच्छी तरीके से इसमें सारा मसाला जितना भी आएगा हम भर देंगे। मिर्ची आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कीमे में इस मिर्ची का। ये देखिए मैंने 4-5 ही लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलिए सारे मिर्ची को भर के तैयार रख देंगे एक साइड पे। चलिए कीमा देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह तरी आ गई ऊपर, कीमा हमारा अच्छे से भुना गया, आलू भी अच्छे से गल गए हैं और एकदम टेस्टी कीमा बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब इस वक्त इसके अंदर हमें डालना है
थोड़ा सा पानी, आप जितना पानी डालना चाहो डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ बस इतना ही ठीक हमें चाहिए ये। अब इसको भी हम कवर करके दम कर देंगे। अब इसका बघार कर लेते हैं। आखिरी का अचारी जो तड़का डालना है, इसके अंदर 2 चम्मच हम ऑयल ले लेंगे पेन के अंदर, और साथ में हमने 8-10 कड़ी पत्ते डाल देंगे, और जो मिर्ची फ्राई करके रखी थी वो भी इस वक्त हम पेन में डाल देंगे, और अच्छा सा तड़का इसका बना लेंगे। जो हमारा बचा हुआ मसाला वो भी इस वक्त इसमें हम डाल देंगे, और अच्छा सा जब तक कि थोड़ा सा मिर्ची का कलर चेंज नहीं हो जाता इसको हम फ्राई कर लेंगे। फिर बहुत अच्छा बनता, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको, आपने ये बनाए तो आपको ये कीमा कैसा लगा। चलिए ये कीमा हम पूरा डाल देते हैं हमारा तड़का कीमे के अंदर, और इसको हम कवर कर देंगे इसके दम पे, इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के वास्ते, ताकि और रोगन ऊपर आ जाए और सारे मसालों का फ्लेवर और ये बघार का फ्लेवर हमारे कीमे के अंदर अच्छी तरीके से समा जाए। चलिए बेहतरीन किस्म का हमारा ये अचारी कीमा बनके एकदम से बढ़िया से तैयार है। फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से आप इसको पराठा, रोटी, चपाती, नान सब के साथ इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और इंजॉय कीजिए। मुझे दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर से कीजिए।